हेलो फ्रेंड, के आर डिवीजन में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं करंट अफेयर 3 अक्टूबर के डेली जीके डॉट 20 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसे भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनिल चौहान, दलबीर सिंह सुहाग, विक्रम सिंह, विजय कुमार सिंह, दीपक कपूर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ए ऑप्शन अनिल चौहान को। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को प्रतिस्थापित करेंगे? आपके ऑप्शन है मुकुल रोहतगी, सेकंड ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, थर्ड ऑप्शन है आर वेंकट मणि, चौथा ऑप्शन है सी के सुचरिता और लास्ट ऑप्शन है एम कार्तिक। तो इसका राइट आंसर होगा आर वेंकट मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कैबिनेट ने नई दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई CSMT रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पुनर्विकास परियोजना के लिए कितनी राशि लगभग के निवेश की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शन है 12,000 करोड़ रुपये, 10,000 करोड़ रुपये, 9,000 करोड़ रुपये, 7,500 करोड़ रुपये, 3,800 करोड़ रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपये, यानी बी ऑप्शन, यानी कि हाल ही में सितंबर 2022 में कैबिनेट ने नई दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई CSMT रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कितनी राशि लगेगी? लगभग 10,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस लियोन आईवी जूनियर, जिन्हें कुलियो के नाम से भी जाना जाता है, का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में एक प्रख्यात व्यक्ति थे? तो आपके ऑप्शन है संगीत, खेल, अभिनय, फोटोग्राफी, राजनीति। तो हाल ही में आर्टियो लियोजिन लियोन आईवी जूनियर, जिन्हें कुलियो के नाम से भी जाना जाता है, निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे? तो वो थे संगीत से, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने BSE को अपने मंच पर EGR पेश करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। EGR का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा है EGR की, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग विश्व बैंक और सिडबी के साथ 2/3 व्हीलर ईवी के तीव्र और सरल वित्त पोषण की सुविधा हेतु कितनी राशि का एक फंड लॉन्च करेगा? ऑप्शन है 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन या 2.5 बिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, $1 बिलियन फंड। नीति यानी कि हाल ही में नीति आयोग विश्व बैंक और सिडबी के साथ 2/3 व्हीलर ईवी के तीव्र और सरल वित्त पोषण की सुविधा हेतु कितनी राशि दी है? $1 बिलियन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने बैंक के कोलेंडिंग पोर्टफोलियो को विकसित करने हेतु कोलेंडिंग मार्केट प्लेस UBCO.LAN के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में निम्न में से किस बैंक ने सैमसंग के साथ दो प्रकार के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अर्थात वीजा सिग्नेचर और वीजा इन्फिनिट कार्ड लॉन्च करने हेतु हाथ मिलाया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक, यानी हाल ही में सितंबर 2022 में एक्सिस बैंक ने सैमसंग के साथ दो प्रकार के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अर्थात वीजा सिग्नेचर और वीजा इन्फिनिट कार्ड लॉन्च करने के उद्देश्य से हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2022 का विषय क्या है जो प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि क्या होगी सितंबर 2022 के अनुसार? ऑप्शन है 3.2%, 5%, 4.5% या 5.1% या 4.1%। तो हाल ही में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि क्या होगी? 3.2% राइट होगा। तो ये थे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आने की संभावना है।